हम एक और जुमला लेते हैं उसको मर्द नजर लिखने, कौन सी चीज, ये इटालियन जबान में पढ़ती है, में पढ़ता हूँ, ये इटालियन में कहती है ली ऑर्गनि दि ट्राइनो दि उन वेहिकोलो devono consentire sufficienti oscillazioni in senso verticale tra motrice e rimorchio in modo da poter compensare le diverse inclinazioni dei veicoli debuti al dislivelli stradali. तो इसका जर्मन मतलब क्या होता है, जर्मन लिखा है die Zugvorrichtungen eines Fahrzeuges mussten den Zugfahrzeug und dem Anhänger senkrecht beweglich sein, damit die durch die Unebenheit der Straße bedingten Neigungsänderungen ausgleichen werden können. तो इसका मतलब क्या होता है, जो गाड़ी खींच रही है ना उसको बोलते, किसको बोलते हैं, Zugfahrzeug. और सबसे पहले ये Zugvorrichtung किसे कहते हैं, ये देख लो, इसकी फोटो ले लो. तो बेसिकली जो गाड़ी के साथ जो अनहंगर के पीछे जो बंधन है उसको हम बोलते हैं Zugvorrichtung. अभी आप उसको पहले उर्दू में समझ लो ताकि मैं दोबारा जर्मन में आपको समझ आ जाए. तो ये देखें, अरे Zugvorrichtung, चलो आउटो जर्मन में लिखा है, चलो डजंट मैटर. देखो ना जर्मन में लिखो तो अलग हो जाता है एकदम, मुझे इटालियन में लिखना पड़ता है, इटालियन में हमारे कीवर्ड्स अलग होते हैं. एक मिनट है, इल्ला बेसिकली इसकी बात हो रही है, इसको बोलते हैं Zugvorrichtung. अभी गौर फरमाना, ये है ये खींचने वाली गाड़ी है और इसके पीछे अनहैंगर है. कहते हैं इन दोनों के बीच में, और उर्दू में समझो पहले, इतनी ढील होनी चाहिए कि अगर रस्ते की ऊंचाई नीचे में फर्क आए, मानो कि एक सीढ़ी जाती है तो जब आपकी Zugvorrichtung जरा नीचे जाती है तो ये टूट ना जाए, बहुत टाइट होगा तो ऊपर ऊपर रह जाता है, ये नीचे जाने का तो ये टूट जाएगा. तो इतनी तो ढील होनी चाहिए कि जब ये नीचे जाती है इसकी अनहैंगर होती है वो बर्दाश्त कर सके, टूट ना जाए, कि थोड़ा सा जब नीचे आता है दाबे जाके पर ये भी नीचे आता है. इतना इतनी ढील होना जरूरी है ताकि इन दोनों के बीच में अगर कोई लेवल का डिफरेंस आता है तो टूट, ये बीच Zugvorrichtung में नुकसान नहीं पहुंचता. ये अगर उर्दू में समझ गए हो तो आपको आसानी हो जाएगी जर्मन समझने के लिए. Die Zugvorrichtung eines Fahrzeugs muss zwischen dem Zugfahrzeug und der Anhänger senkrecht, मतलब ऊंचाई पे, मतलब ऊपर नीचे उसकी ऑक्सीलेशन ऊपर नीचे जाना, ऐसे ऐसे हिलना, senkrecht beweglich sein, उसको ऊपर नीचे जाने का मौका देना चाहिए, ढील होनी चाहिए, damit जिसके जरिए die durch die Unebenheit der Straße, Unebenheit मतलब जो रास्ता बराबर नहीं होता, मतलब क्या ऊंचाई में फर्क, लिख लीजिए Neigungs änderung मतलब ऊंचाई में फर्क, आपके हाइट में फर्क, ausgeglichen मतलब बराबर हो सके, वैरन खनन कर सके, ठीक है. तो इसको ये मतलब इसे समझ आ गई है, देख लीजिए अगर मेरे समझाने के बावजूद कोई समझ न आए, आपने झिझकना नहीं है, आप मुझे दो बार तीन बार या चार बार भी पूछ सकते हो, जब तक मुझे मौत नहीं होती सारों को समझ आई फिर भी हम आगे बढ़ेंगे, ओके, वरना आप पूछ सकते दोबारा.